हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलते हैं हम आज बनाने दो मिनट में, न कंडी के झंझट न लकड़ी का झंझट। हम फटाफट से दो मिनट में तैयार करते हैं भुट्टा पकाने का आसान तरीका। जैसे आप कहीं भी हो, बाहर हो, कहीं हो, आप इसे दो मिनट में इस तरीके से पका के खा लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये हम ले लिए हैं दो कटोरी पानी, गैस पे चढ़ा देंगे हम। हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है, एकदम फटाफट से ही हम भी भुट्टा तैयार करना है। हम पानी में डालेंगे भुट्टे को, हम ढक्कन लगा देंगे कुकर के। देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है। अब मैं आपको इसकी सामग्री दिखा दे रही हूँ फटाफट। देखिए चटपटी तैयार करने के लिए हमने काला नमक लिया है, लाल मिर्ची लिया है, चाट मसाला, नींबू, थोड़ा सा हींग। अब इसे एक से दो सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो कंडी लकड़ी नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप एकदम स्वादिष्ट मक्के पका के खा सकते हैं। ये भुट्टा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ना धुआं का टेंशन, ना पंखा करने का टेंशन, ना आग सुलगाने का टेंशन। ये फटाफट से दो मिनट में तैयार हो जाता है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे एक सीटी लग गए हैं, और लगाएंगे। देखिए हमारे दो सीटी लग गए, हम फटाफट ही इसे उतारेंगे कुकर से। ऐसे गैस को बंद कर देंगे, इसका प्रेशर निकालेंगे हम। हमारे प्रेशर निकल चुके हैं कुकर के, अब हम इसे खोल लेते हैं। देखिए हमारा कितना टेस्टी भुट्टा तैयार हुआ है। अब हम इसे निकालेंगे चिमटे की मदद से। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, आप एक बार ज़रूर ऐसे खा के ट्राई कीजिए। ऐसे बनाइए भुट्टे को, ऐसे पकाइए, ये बहुत ही इजीली पक के तैयार हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं हमारे भुट्टे, थोड़े गर्म हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब इसमें हम काला नमक, वैसे ऐसे नींबू को थोड़ा ऐसे क्रश कर लेंगे, बीज निकाल देंगे। काला नमक लेंगे, ऐसे दबा लेंगे। लाल मिर्ची, ये हींग, थोड़ा सा चाट मसाला हम लेके इसी में ऐसे लेप कर देंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छे से हमने लगा दिया है चाट मसाला, हींग और लाल मिर्ची पाउडर। आप इसे गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंडे होने के बाद इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो मिलते हैं हम आपको दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।